गुलाटी जी नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि जब GST लागू किया गया था तब यह कहा गया था केवल एक ही कर होगा, आज क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, जरा उस पर विचार आप बताइए कि क्या है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जब GST की घोषणा की गई थी, व्यापार मंडल ने उसका एक साल तक लगातार विरोध किया। करने के बाद फिर ये हुआ कि चलिए, जैसे विश्व में 167 देशों में GST है और हर जगह एक ही टैक्स है, ये नहीं कि कहीं 24 है, कहीं 18 है, कि 16 है, 14 है। हम लोगों ने एक ही माँ व्यापार रखी थी कि मतलब टोटल एक ही टैक्स होना चाहिए, उसके अलावा दो टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग टैक्स लगाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है आगे भविष्य में क्या? नहीं, इसके लिए हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भी ये तय हुआ, अगला रूपरेखा बनाई जाएगी। और अगर एक जैसे पेट्रोल डीजल है, शराब है, इस पे जो है अगर ये GST लगा देते हैं तो डीजल जो है 30-32 रुपये हो जाएगा, पेट्रोल 40-45 रुपये हो जाएगा। तो इस हमारे अगली प्लानिंग ये है कि व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कि एक देश एक कर की प्रणाली लागू की जाए, नहीं करेगी तो उसमें व्यापार मंडल शीघ्र ही मीटिंग करके प्रदेश की आंदोलन करेगा। इस मुद्दे पे अभी मैंने जो एक किताब मेरी प्रकाशित हुई है, कलयुग के भगवान, तो उसमें टैक्स नाम से मैंने लिखा भी है, शायद आपने देखा होगा, तो उस बारे में भी व्यापार मंडल मतलब उस पर अमल करते हुए? नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक अगली हमारी होने जा रही है अक्टूबर के आखिर में, हम इस किताब के में जो आपने कविता के माध्यम से जो GST पे जो कमेंट लिखा है, व्यंग किया है, वो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा हमको, और ये किताब मैं पूरे हाउस को पढ़ कर सुना दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।